तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। बेड़ो प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बुधवार को नव पदस्थापित व निवर्तमान बीडीओ के सम्मान में स्वागत व विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नव पदस्थापित बीडीओ प्रवीण कुमार व निवर्तमान बीडीओ विजय कुमार सोनी को बूके देकर और शॉल उड़ाकर लोगों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और समाज सेवियों ने नव पदस्थापित बीडीओ प्रवीण कुमार का स्वागत व बेड़ो से ओरमांझी प्रखंड में स्थानांतरित सह पदस्थापित बेड़ो के पूर्व बीडीओ विजय कुमार सोनी का विदाई किया गया। वहीं समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पूर्व बीडीओ विजय कुमार सोनी के कार्यकाल में हुए उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा की। मौके पर डीएसपी रजत मानिक वाखला ने आम लोगों से मेघावी विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के सहयोग हेतु पुराना मोबाइल दान करने की अपील की। वहीं समारोह में नागपुरी कवि व कलाकार क्षितिश कुमार राय ने नागपुरी गीत प्रस्तुत कर लोगों को भाव विभोर कर दिया। मौके पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक प्रमुख डॉक्टर प्रवीण चंद्र, पद्मश्री सीमोन उराव, सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार राय, विधायक प्रतिनिधि नवल किशोर सिंह, प्रमुख महतो भगत, सीओ सुमंत तिर्की, पूर्व वीडियो विजय कुमार सोनी, नए वीडियो प्रवीण कुमार, डीएसपी रजत मानिक वाखला, थाना प्रभारी मनीष कुमार गुप्ता, एसआई शिवनाथ रंजन समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व कर्मचारी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन बीएओ कलिंद्र शाहू व धन्यवाद ज्ञापन बीसीओ अवनी कुमार झा ने किया। सोना न्यूज बेड़ो से राजरोही की रिपोर्ट। आज मैंने बेड़ो प्रखंड का प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में प्रभार लिया है। इसके पूर्व मैं सीसी में था, तो हमारे पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय सर ने जो भी यहाँ काम किया है लोगों से मिलकर, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, उसी परंपरा को कायम रखते हुए हम लोग टीम वर्क से काम करते हुए प्रखंड को आगे बढ़ाएंगे। हमारा काम करने का जो मुख्य जो ध्येय होगा, विकास योजनाओं को धरातल पर सही ढंग से उतारना और जो वंचित लोग हैं, जो जो योग्य लोग हैं जिनको योजना मिलना चाहिए उन तक योजना मिले, और आम लोगों से और पदाधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा हो और काम का निष्पादन सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो लक्ष्य होगा, लक्ष्यों को हम लोग प्राप्त करेंगे टीम वर्क के साथ।